राजपूत समाज कहता है कि सारे योद्धा हमारे ही रहे हैं, ब्राह्मण समाज कहता है कि हमारा जैसा कोई बुद्धिजीवी ही नहीं रहा। अरे बेशर्मो, जब अंग्रेजों को विदेशी आक्रांताओं का देश गुलाम रहा, तब आपके तोप और भाले, आपकी बुद्धि और आपके तंत्र मंत्र कहाँ चले गए थे? ओबीसी के भाइयों ने इस देश का निर्माण किया है, और बस आपसे यही चीज कहूंगा, मिलजुल कर जो अपनी क्षमता है एससी एसटी ओबीसी की, उसमें एक साथ मिलकर रहना है। और मैं आपको गुर्जर के नाते बता दूं, आपके एससी एसटी समाज और खासकर जाटा समाज का तो हम पर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब पहली बार मंडल कमीशन की बात चली, जब कमंडल कमीशन ने वहां पर हमला किया, बात थी मंडल कमीशन की, बात थी ओबीसी के आरक्षण की, लेकिन वहां मरने वाले जो लोग थे वो एससी एसटी के लोग थे। करणी सेना वाले आए थे, उन्होंने सर्व समाज के नाम पर यहाँ कार्यक्रम किया और गुर्जरों को बुलाया, यहाँ बहुत अभद्र बोला। अगर आप में हिम्मत है तो आज जन सैलाब देख लो, ये संसाधनों के अभाव में अपने खुद के खर्चे पे अपनी व्यवस्थाओं से आए हैं, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये देश के मूल निवासी हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। अगर आदिवासी अपने अधिकारों की बात करते तो वो नक्सली हो गया, मुसलमान भाई अगर अपने अधिकारों की बात करते तो आतंकवादी हो गया, हम लोग अगर अपने अधिकार की बात करते तो कम्युनिस्ट हो गया। और पता है जैसे हम गुर्जर लोग हैं, पता है हिंदू क्यों हैं? सिर्फ मुसलमानों से लड़ाने के लिए। जब हमारे अधिकार की बात आती है, हमारे संविधान की बात आती है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? आपने ग्वालियर में देखा होगा गुर्जर सम्राट मीर भोज का मामला चला, सारे मामले चलते हैं राजपुरुष और इनके महान योद्धाओं के। राजपूत समाज कहता है कि सारे योद्धा हमारे ही रहे हैं, ब्राह्मण समाज कहता है कि हमारा जैसा कोई बुद्धिजीवी ही नहीं रहा। अरे बेशर्मो, जब अंग्रेजों को विदेशी आक्रांताओं का देश गुलाम रहा, तब आपके तोप और भाले, आपकी बुद्धि और आपके तंत्र मंत्र कहाँ चले गए थे? जब देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत पूजा पाठ होता है, तो मैं तो जो ओबीसी भाई आए उनसे एक ही चीज कहूंगा, अरे जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को रख लो, मंडल कमीशन को रख लो, तो आपका आधा काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक अपने अधिकार और संविधान नहीं होंगे, एक बाबा आपने सुना होगा, तंत्र मंत्र और उनके नाम पर सबका मन पड़ता है, उसने तंद्रहुआ में गोद में कथा की, वहां एक राठौर महिला मर गई, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अपन को पाखंडवाद से लड़ना है, और अपन को देखो बीच में लाइन खींचना है लंबी चौड़ी, जो हमारे साथ रहेंगे वो यहाँ हैं, और अपन को और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अपन कमेरे लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, अपन ने विश्वकर्मा यादव गुर्जर जाटव सब एससी एसटी ओबीसी के भाई और इस देश का निर्माण किया है। और बस आपसे यही चीज कहूंगा, मिलजुल कर जो अपनी क्षमता है एससी एसटी ओबीसी की, उसमें एक साथ मिलकर रहना है। और मैं आपको गुर्जर के नाते बता दूं, आपके एससी एसटी समाज और खासकर जाटा समाज का तो हम पर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब पहली बार मंडल कमीशन की बात चली, जब कमंडल कमीशन ने वहां पर हमला किया, बात थी मंडल कमीशन की, बात थी ओबीसी के आरक्षण की, लेकिन वहां मरने वाले जो लोग थे वो एससी एसटी के लोग थे। हमारे लोग स्वघोषित अपने आप को ठाकुर समझ लेते हैं, बन जाते हैं, आप बताइए ये कितने महान हैं। इनके महानता का एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, शेर सिंह राणा फिल्म आ रही है, इनकी बहादुरी देखो, जब बहन फूलन देवी डकैत थी, जब सामाजिक में बागी थी, जब विपदाओं से कुरुतियों से लड़ रही थी, तब बा के पास कोई नहीं गया, जब वो सांसद बन गई तो आप इनकी बहादुरी देखो, एक दलित निहत्थी महिला की हत्या कर दी, ये इनकी बहादुरी है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आज अपन इकट्ठे हो रहे हैं, तीन चीजें अपन को इनकी बन्न करना है, एक दान, एक मान सम्मान और एक मतदान, जो अपन को अपने लोगों को ही करना है। क्योंकि देखो बाबा साहब अपन से कह के गए हैं, पहले राजा के पेट से राजा बनता था, अब उनने कही थी मैंने तो इनकी ऐसी नसबंदी कर दी है, अब वोट की पेटी से बनेगा भैया जो बनेगा, इसलिए आज अपन आए हैं। और जो उस दिन करणी सेना वाले आए थे, उन्होंने सर्व समाज के नाम पर यहाँ कार्यक्रम किया और गुर्जरों को बुलाया, यहाँ बहुत अभद्र बोला। अगर आप में हिम्मत है तो आज जन सैलाब देख लो, ये संसाधनों के अभाव में अपने खुद के खर्चे पे अपनी व्यवस्थाओं से आए हैं, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये देश के मूल निवासी हैं,
देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, जो विदेशी लोग जो भाग के गए हैं, अपना संसद और अपना पैसा लूट कर ले जाते हैं, इनके नाम भी तो सार्वजनिक होना चाहिए, जो किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, आप सब इकट्ठे हो जाओ, अब अपन को इकट्ठे होके इन विधर्मियों से लड़ना है। अच्छा एक चीज बताओ, अपन कहते चाहे साहू जी महाराज रहे हो, चाहे क्या कहते हैं अंबेडकर जी रहे हो, चाहे जितने भी महापुरुष रहे एससी एसटी ओबीसी के, इनने बुराइयों से लड़ी है, इनने गंदगी साफ करी है, तो इस देश में गंदगी फैलाई किसने है? अब समय आ गया है कि उनको साफ करना है, अपन को उनको उनकी जगह पहचाना है। क्योंकि सूरज जैसा जल बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम बाबा साहब अंबेडकर और गुर्जर सम्राट मीर भोज के वंशज हैं, हम क्या सोचे राज सफल होगी, हर काम पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि अब सिर्फ जरूरत है, चाहे मूछे रखने पे राजस्थान में हत्या कर दी जाती हो, चाहे कोई भी दलित वर्ग पे आक्रमण होता हो, अगर इस देश में संविधान और एससी एसटी ओबीसी की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है। आज चाहे गुर्जर समाज हो, ओबीसी समाज हो, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो भाजपा कांग्रेस के पास नहीं जाती, वो अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास आती है, क्योंकि न्याय अपन दिलवाएंगे उनको। तो एक बार जोर से बोले, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, गुर्जर सम्राट मीर भोज जिंदाबाद। अब सोचो जब अपने मूर्तियों से इतना डरते हैं, अपन इनके सामने खड़े हो गए तो इनकी जो कहते हैं ना सब बंद हो जाएगी। जय 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 भीम। ये इन्होंने समर्थन दिया आप नगरपालिका सफाई कर्मचारी, नगरपालिका सफाई कर्मचारी यूनियन माननीय परवेंद्र दौरपड़े जी ने आज के आंदोलन कार्यक्रम को समर्थन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करते हैं बीमार में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश कांचीराम की ओर से। हेलो, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई सतन सेंगर जी आए अपनी बात रखे, भाई सतन सेंगर जी जहाँ कहीं भी आए अपनी बात रखे। सतन सेंगर जी जे एस के जिला पंचायत उपाध्यक्ष रतलाम केशु भाई नेमो जी यहाँ पर पधार चुके हैं, उनसे निवेदन है कि वो आए मंच पर आए। केशु भाई जी मंच पर आए। साउंड वाले साथी कहाँ है? साउंड वाले ये भैया जो चढ़े हुए हैं ना साउंड पे, नीचे उतर जाए भैया, नीचे नीचे उतरो। साउंड वाले साथी इस राइट साइड वाले साउंड की, हेलो, इस राइट साइड वाले साउंड की आवाज नहीं आ रही है। साउंड वाले साथी जहाँ भी आए स्टेज पे आए, साउंड वाले साथी कृपया साउंड व्यवस्था को सुधारे। साउंड वाले साथी जो भी साउंड वाले लोग हैं कृपया साउंड व्यवस्था को सुधारे। मध्य प्रदेश